अपनी प्यारी दुल्हन के लिए हीरो कार्ड मैं तय करूंगा। पहला फेरा, पहले फेरे का यह अर्थ है कि पति के परिवार के साथ जो जो अभी तक गलतियां की हैं, उन गलतियों को तुम रियलाइज करोगी, उनको मानोगी, फिर पछतावा करोगी अपनी की हुई हर एक गलती को। दूसरा फेरा, जो पूजा जैसी बहन की सगी नहीं हो सकी ना, वो इस दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है तुम्हें? प्यार का मतलब पता है तुम्हें? तुम्हें क्या पता होगा, क्योंकि तुम जैसी नीच, सेल्फिश और घिनौनी औरत इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। पूजा को तो मैं ढूंढ के रहूंगा, और याद रखना शादी भी आज होके रहेगी। तीसरा फेरा, इसका मतलब यह है जिस परिवार को तुमने आज तक नहीं माना, जिस परिवार की इज्जत तुमने आज तक नहीं की, अब उसी परिवार को मैं अपने तन मन धन से मानकर उनसे माफी मांगोगी, और तब तक जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। यजमान, अब कन्या आगे होगी और आप पीछे। यजमान, 6 फेरे हो चुके हैं, अब आखिरी फेरा बचा है। अब आखिरी फेरा यानी कि 7वां फेरा, वो भ्रम जो तुमने आज तक सबको दिया, एक सर्वगुण संपन्न बहू होने का। तुम एक सर्वगुण संपन्न बहू, एक सर्वगुण संपन्न पत्नी और परिवार का हिस्सा बनने के लायक हो। फेरे और मायने कंप्लीट हुए, आप दोनों बैठ जाइए। यजमान, कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। यजमान, कन्या के गले में मंगलसूत्र डालिए। अब विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अब बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए।
ना बुढ़ो, बाकी सारे घर वालों के पांव छो। आशीर्वाद के लिए नहीं, सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए। और ये तो बस शुरुआत है पूजा मित्र, इसके बाद देखो कितनी गलतियों की माफी तुम्हें मांगनी पड़ती है। चलो पूजा मित्र, उठो और वही करो जो तुम्हारे पति ने तुमसे कहा है। तमाम get up, get up। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ। हेलो चंदा टाइप्स के पैर कब छूओगी? देखो पूजा टाइप्स, तुम्हारे हाथों की उंगलियां चंदा टाइप्स के पैरों को छूने चाहिए, समझी पूजा देवी टाइप्स? कम ऑन, उनके भी पांव छुओ, वो बड़ी हैं। ठीक है, अब क्या है ना, चंदा टाइप्स का मूड टाइप्स नहीं है तुम्हें माफ करने का, आगे बढ़ो। खुश रहना बेटी, सॉरी गुड़िया, सॉरी तेरी देख कुछ नहीं कर पाई, माँ को नहीं ढूंढ पाई। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गए हो कबीर, लेकिन नहीं, मैं ये सब सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। उनके मिलते ही देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सुहागरात की नानी है ना कबीर मित्तल? चलो सुहागरात मनाते हैं। ये दवाई वाला दूध पीते ही कबीर मित्तल 2 मिनट में बेहोश हो जाएंगे, उसके बाद मैं जाके कोई क्लू ढूंढती हूँ कि उसने माँ को कहाँ छुपा के रखा है। ये क्या है? उस टफर रंजीत को बोला था कि स्लीपिंग पिल्स लेकर आए, कि तो नशे की दवाई है। क्या फर्क पड़ता है, इससे भी कभी बेहोश तो हो ही जाएगा। ये तुम्हारी चाची
दूध के ग्लास रख कर गई है, चाहो तो दोनों पी लो क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। चाची दो दूध के ग्लास रखे गई है ना, तो एक तुम्हारे लिए, शराफत से पी लो, समझे? मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। नहीं पीना, मन नहीं है तुम्हारा तो मन को मनाओ। अरे अच्छा लगता है क्या, छोटी छोटी बात पे तुम्हें धमकाऊंगा मैं? कम ऑन पी लो। देखो चीजें डिफिकल्ट मत करो, जितना बोल रहा हूं उतना करो, ओके? पी लो। खुश? बहुत। कितना आसान है तुम्हें मैनिपुलेट करना। अब थोड़ी देर में इन गोलियों का असर शुरू हो जाएगा और मेरा काम। मे आई गो टू द वॉशरूम सर? नहीं, मैंने सोचा पूछ लूं तुम्हें किस बात से बुरा लग जाए, क्या पता फिर तुम मुझे धमकी दो मेरी माँ के बारे में। यू मे। थैंक यू। यू वेलकम। आई होप मैं जब तक बाहर जाऊं वो कबीर लुढ़क गया हो, उसके बाद मैं क्लूज ढूंढूंगी। मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं? फोन ये हाथ में क्यों नहीं आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? कमरा कैसे टेढ़ा हो गया? हाथ में क्यों नहीं आ रहा है ये फोन? ये फोन पकड़ना। तू हंस क्यों रही है? बट क्योंकि 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 मुझे पता है तेरा तेरे हाथ में फोन क्यों नहीं आ रहा, पता है क्यों? क्योंकि ये कमरा टेढ़ा। एक काम कर तू, वो कोना पकड़ ले ऐसे, क्योंकि कमरा टेढ़ा है ना तो फोन फिसल सकता है, समझ रही है तू?
तू ना पकड़ ले पकड़ ले फटाफट जाके। कौन सा वाला? वो वाला। तो रुक। मैं फोन उठाती हूँ। ओके। कौन सा उठाऊँ? दो दो है। What do you mean कौन सा उठाऊँ? इडियट यहाँ पे सिर्फ एक फोन पड़ा हुआ है। तू पागल क्रैक है क्या? तू देखना 1 2 1 2 एक एक फोन एक सेकंड 1 2 3 3 कैसे हो गए? 3 कैसे हो गए? यहाँ पर 3 नहीं थे, मैंने फोन 1 फोन रखा था यहाँ पे। कैसे मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया बता। ये फोन ना जमीन पे पड़े पड़े बढ़ रहे हैं। इन्हें बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे। हम जमीन पे लेट जाएंगे, सारी जगह हम टप लेंगे। कहाँ जाएंगे? अड़पने के फायदे। You, I think you're right. बताए क्या करेंगे? मैं ना मैं इधर से आऊँगा, तू उधर से ऐसे करके जाना, और फिर ना नहीं फिर हम हमला करेंगे, फिर उसको पकड़ लेंगे। सुनना ले, आराम से आराम से। क्या हो गया? बहुत भारी है। भारी है ए पागल, भारी तो होगा ना यहाँ दो पकली, उसमें बहुत सारे मैसेजेस है ना पागल, इसीलिए भारी है। सुन सुना हाथी क्या खंडाला, ये तो गाना बन गया। तेरे फोन में गाने हैं और क्यों? तू क्या करेगी गानों का? क्या करेगी? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे कैश करेंगे और क्या। वो भी सही है। बचा क्या गाना? लेकिन लेकिन वैसे कौन सा सुनेगी? ये तू बहुत सोचती है, रुक जा मैं बताता हूँ भी तुझे। ये मेरा फेवरेट। ये मेरा भी। सुन तू एक बार इस पे डांस करके। अच्छा चल मैं देखता हूँ डांस। या तू कर मुझे शर्म। ए चल ना प्लीज ना यार। नहीं मैंने कहा ना मुझे। ए सुन ना 5-6 बार दूंगा तू डांस करना। शर्म आती है। चल एक आइडिया मैं देता हूँ, तुझे शर्म आती है ना तो हम एक साथ करेंगे डांस। पक्का? 1 1 2 2
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।